तो दोस्तों ये बाइक है मेरे पास आई है पल्सर 180। इस गाड़ी का इंजन का काम मैंने किया है और इसके अंदर और भी बहुत सारे काम मैंने किए हैं। कार्बोरेटर नया डाला है, इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। इस गाड़ी में मीटर काम नहीं कर रहा तो मेरा पूरा जो है हक बनता है कि मैं इस मीटर को ठीक करा सकूं और ताकि मैं गाड़ी की सर्विस टाइम से बुला सकूं कस्टमर को। इस मीटर में हुआ क्या, सामने देख ही रहे हो आप, सामने इसकी डिस्प्ले जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। इसकी डिस्प्ले के अंदर रीडिंग का पता नहीं लग पा रहा है, किलोमीटर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने इसका वॉर्म बॉक्स तो नया डाल दिया, केबल नहीं डाल दिया, बट इसका मीटर की डिस्प्ले को ठीक करने के लिए मुझे नदीम भाई के पास जाना पड़ेगा। तो मैं अभी फटाफट से नदीम भाई के पास निकलता हूँ। पूरी गाड़ी ओके है, सिर्फ नदीम भाई के पास जाकर इस मीटर को प्रॉब्लम को ठीक कराते हैं और आपसे थोड़ी बात करते हैं। 2000 years later. Few moments later. तो दोस्तों फाइनली नदीम भाई की दुकान पर आ चुके हैं, गाड़ी का मीटर खुल चुका है और अभी इस वक्त काफी टाइम बाद, करीबन 2-3 महीने तो हो गए होंगे भाई, दो से तीन महीने बाद भाई मैं नदीम भाई की दुकान पर आया हूँ। काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है जब यहाँ बैठते हैं और नदीम भाई के सामने देखते हैं, नदीम भाई मीटर रिपेयर कर रहे होते हैं और काफी नॉलेज मिलती है। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है नदीम भाई मैं भी मीटर रिपेयर करना सीख जाऊंगा देखा जाए तो नदीम भाई ये देखो डिस्प्ले है, जो मैं मीटर लेके आया हूँ उसकी डिस्प्ले येलो पड़ गई है, बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे इस वक्त आप देख रहे हो। ये डिस्प्ले खराब कैसे होती है नदीम भाई, ये ना पीली पीली पड़ जाती है, नंबर कैसे ब्लर हो जाता है, मतलब क्या रीजन होता है ऐसा? ये रीजन ये भी होता है राजवीर भाई, या तो चार्जर खराब होता है, अच्छा अच्छा, या फिर जो है इसकी वैलिडिटी पूरी हो जाती है। अच्छा मतलब डिस्प्ले की वैलिडिटी भी पूरी हो जाती है। अच्छा मतलब ये कि भाई अगर आपके पास कोई बाइक है और वो काफी पुरानी हो गई और उसके नंबर ब्लर हो रहे हैं तो इसका मतलब समझो भाई आपकी गाड़ी की डिस्प्ले खराब है या फिर आपकी गाड़ी में मीटर में ज्यादा वोल्टेज जा रही है चार्जर की वजह से। तो दोनों चीजों को आपको चेक करवाना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? चेक कराना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो नदीम भाई दूसरी मीटर की डिस्प्ले दिखाते हैं, ये देखो कितना ज्यादा फर्क है इसमें यार भाई साहब, ये देखो और ये देखो, ओ हो क्या फर्क आ रहा है इसमें। तो ये पीली है और ये है आपकी बिल्कुल फ्रेश न्यू डिस्प्ले। अच्छा नदीम भाई ये जो डिस्प्ले आप डालते हैं वीडियो, मतलब इसके अंदर वीडियो में काफी पैसा बनाई हुई हमने, तो इस डिस्प्ले की गारंटी वारंटी होती है क्या, जैसे पीली पड़ने की? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी गारंटी होगी? देखो वैसे तो मैं 6 महीने की गारंटी देता हूँ, टूट फूट की कोई गारंटी नहीं थी राजवीर भाई की। टूट फूट की तो देखो यार कोई गारंटी नहीं थी, आपको पता ही है। पीली पड़ जाए, नंबर कट जाए, उसकी 6 महीने की पूरी गारंटी है। अच्छा अच्छा, नंबर पड़ जाए, जैसे मतलब नंबर कट जाए, डिस्प्ले में कोई शेड आ जाए, ब्लैक शेड आ जाए, कोई एकदम लकीर आ जाए, कुछ आ जाए, चटकनी नहीं चाहिए बस, क्योंकि यार आप भी समझदार हो, चटकेगी तो फिर यार कौन गारंटी देगा, है ना। तो ये होती है हमारी डिस्प्ले, पीछे कुछ ऐसी वायरें होती हैं भाई, मेरे तो पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, इतनी सारी वायरें जो होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे पड़ जाएंगी। नदीम भाई के पास आए सीखने के लिए, सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो अच्छा एक बात और है, नदीम भाई के पास ना बहुत दूर दूर से मीटर आता है, मैं दिखाता हूँ, माशाल्लाह नदीम भाई का काम बहुत बढ़िया है, ऐसी तरक्की करते रहे। ये देखो ये मीटर आया हुआ इनके पास, ये आया है हमारा रंजीत करके एक बंदा है, जो वीडियो इस वक्त देख रहा है तो भाई आप कमेंट जरूर करना, रंजीत दास एक बंदा है, उसने वीडियो ये भेजा मीटर, और उसका हरपुर रेवाड़ी के पास उसका कोई वो पड़ता है ग्राम पंचायत, और समस्तीपुर उसका जिला है, और बिहार से आया, ये पिन कोड है 848134। अब भाई फोन नंबर नहीं बताऊंगा यार, देखो परेशान कर दो क्या, ठीक है ना। तो ये इसका बोर्ड है, देखो भाई ये मदर बोर्ड एक तरह से होता है, ये पूरे मीटर की जो जान होती है ना भाई यही होती है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जब मीटर में पानी चले जाता है उस पर ध्यान नहीं देते, वो ओस चले जाती है ओस। तो भाई अगर आपकी गाड़ी नई है, ब्रांड न्यू, आपने शोरूम से निकलवाई है और उसके अंदर ओस जा रही है, तो समझ जाओ भाई मगर मीटर जो है डिफेक्टेड है, बिल्कुल, है ना, वो जल्दी जल्दी करा लो, वो ओस क्या करती है, वो जंग लगा देती है, उसके बाद आपकी गाड़ी का मीटर धीरे 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 करके खराब होने लगता है। तो इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल मीटर ही आजकल हर गाड़ी में आ रहे हैं और डिजिटल मीटर बहुत महंगे आते हैं। ब्रांड न्यू अगर आपकी गाड़ी का मीटर खराब हो गया है तो वैसे तो आप नदीम भाई के पास आ सकते हो। नदीम भाई कहाँ आना पड़ेगा? नदीम भाई के पास आना पड़ेगा 132 नंबर दुकान दक्षिणपुरी, और इनकी दुकान एक वजीराबाद में भी है, और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में और भी ब्रांचेस इनकी खुले, है नदीम भाई, खुलनी चाहिए ना नदीम भाई। तो यार नदीम भाई एक चैसे, अरे ऊपर वाले दुआ है नदीम भाई, मैं कौन होता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ नदीम भाई, है ना। तो ये जो गाड़ी की डिस्प्ले आप देख रहे हो, मीटर की डिस्प्ले बजाज पल्सर की, तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से सभी गाड़ियों की डिस्प्ले होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपकी गाड़ी का FZ का मीटर है तो FZ की भी डिस्प्ले ऐसी होती है, बस थोड़ा सा कारीगर टाइप का पैटर्न टाइप का थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। बाकी अगर आपकी गाड़ी को मीटर आपको रिपेयर कराना है तो आप इनकी वर्कशॉप पे आ सकते हो। इनकी वर्कशॉप ये है और पीछे गोदाम है जहाँ पे मीटर दुनिया भर के मीटर उन्होंने भर रखे हैं। तो उस मीटर जो है अगर आपको खरीदना है मीटर, तो मीटर भी मिल जाएगा, अगर आपको नया मीटर लेना है वो भी मिल जाएगा, अगर आपको पुराना मीटर लेना है वो भी मिल जाएगा, चालू मीटर देंगे गारंटी के साथ, ठीक है भाई। और एक तरह से देखो ये गाड़ी का मीटर है आपका अपाचे 4V का, ठीक है ना, तो अपाचे गाड़ी है 4V का मीटर है। और उसके अलावा ये देखो ये है हमारा पल्सर का, ये तो मेरा वाला ही मीटर है भाई, ठीक है। फ्यूल पंप की अगर बात कर लेते हैं तो देखो भाई फ्यूल पंप भी रिपेयर करते हैं, अगर आपकी कोई गाड़ी है उसका फ्यूल पंप दिक्कत कर रहा है तो रिपेयर आप करा सकते हो इसकी है, ठीक है ना। उसके अलावा फ्यूल पंप नया भी मिल जाता है इनके पास। उसके अलावा ये है हमारा पैशन प्रो का मीटर, पैशन प्रो का ये पैशन प्रो का मीटर है, ठीक है,
साइड स्टैंड लाइट में दिक्कत आ रही है, साइड स्टैंड में लाइट में दिक्कत आ रही है। तो इतनी सारी जानकारी होती है यहाँ पर जब आता हूँ मैं तब, और आप अगर मीटर रिपेयर कराने आते हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है भाई, और दुकानें होती हैं बहुत सारी, वो क्या करते हैं मीटर खोलते हैं, दूसरी दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, और वो मीटर रिपेयर करा के ले आते हैं, आपको दिखा, दिखावा कुछ नहीं होता, आप वहाँ दिखता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप गाड़ी लेके आओगे तो आपके सामने मीटर खुलेगा, आपके सामने यहाँ खुलेगा, आपके सामने सही तरीके से सेटिंग होगी, जो भी डल रहा है आपके सामने दिखेगा, और सबसे अच्छी बात ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एक होता है ना आंखों के सामने इमेजिनेशन होनी चाहिए, सब कुछ दिख रहा है, ट्रांसपेरेंस है, फेथ है, भरोसा है, वो पूरा बना रहना चाहिए। अब आप मीटर छोड़ दिया भाई चाहो चार दिन बाद आओ, वो वाला सीन नहीं है। हाँ अगर बहुत मेजर काम है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना दिन भर। अभी एक चीज़ और, मैग्नेट कॉइल भी रिपेयर हो जाती है यहाँ पर, मैग्नेट कॉइल भी रिपेयर हो जाती है, फ्यूल पंप भी रिपेयर हो जाते हैं, नदी में मीटर भी। नदी भाई बताओ ऐसी कौन सा काम है जो नहीं करते आप? इलेक्ट्रॉनिक सारे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सारे काम करते हैं नदी भाई, सारे काम, मतलब एक अच्छी पकड़ बना रखी है। सेल्फ की मोटर भी रिपेयर हो जाती है, देखो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करते। अच्छा बात, एक काम छोड़ रखा है उन्होंने, इंजन बांधने का, इंजन में बांधने का भाई, जो मर्जी जैसा मर्जी इंजन दे दो, फिट करके सेट करके मस्त मलाई करके मक्खन करके दे देंगे, बट उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। देखो एक चीज और, ये देखो बुलेट गाड़ी का मीटर है भाई 350, ठीक है ना, एकदम ब्रांड न्यू मीटर है, ओरिजिनल मीटर है, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो कितने सारे यहाँ पे मीटर आपको दिख रहे होंगे इस तरीके, देखो ठीक है, ये तो छोटा सा नमूना है भाई, बड़ी दुकान आपकी और भी है, वजीराबाद में भी बहुत बड़ी दुकान है, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, बाकी इनकी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर जो आपने देखी होंगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अपनी फटाफट से बजाज का मीटर रिपेयर कराते हैं, और उसके बाद आपको एंड में मिलते हैं पूरा मीटर ओके होने के बाद, ठीक है दोस्तों। हमारी गाड़ी का मीटर चालू हो चुका है कंप्लीट एकदम तरीके से, जैसे कि आपने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं नदीम भाई के साथ, ठीक है ना। अभी चाबी ऑन करते हैं, और लाइटें फर्स्ट क्लास आ चुकी हैं, मैंने इसे खुलवाया नहीं है तो मैं इसे खुलवा के चेक करवा रहा हूँ पूरा प्रॉपर, एक न्यूट्रल लाइट चल गई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट से मीटर को पैक करा के गाड़ी में पैक कराता हूँ, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ अपनी वर्कशॉप और वीडियो को करता हूँ एंड। ओके मेरे दोस्तों, तो फटाफट से मीटर पैक कराता हूँ इसका। ये लो, तो भाई ये है हमारा प्रॉपर तरीके से मीटर, यो चालू हो गया भाई। 35,652 किलोमीटर पहले भी चले थे, अभी भी इतनी है, मतलब ये डिस्प्ले डालने से किलोमीटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपका, है ना? बिल्कुल। तो ये फर्स्ट क्लास हमारी लाइटें वाइटें से चल गई है, सारी लाइटें चालू भाई हैं, चालू हैं सब फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास इसे फिट करते हैं गाड़ी के अंदर। फ्यू मोमेंट्स लेटर मीटर ओके हो चुका है, नदीम भाई ने हमारे कर दिया। नदीम भाई क्या बात है, तो नदीम भाई मीटर चालू कर दिया है, न्यूट्रल लाइट चल रही है अपना, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। तो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं अपनी वर्कशॉप में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये बोर्ड देख लो भाई, 132 दुकान नंबर है, डिजिटल मीटर, यहीं रुकना है और कहीं नहीं रुकना आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं नदीम भाई, ठीक है, थैंक यू, ठीक है ना, ओके नदीम भाई।